थ्रू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी पर्दे पर जब जब आई तब तब जबरदस्त हिट रही, चाहे करण अर्जुन हो या फिर कुछ कुछ होता है। इसके अलावा भी कई बार सलमान खान की फिल्म में शाहरुख खान तो शाहरुख खान की फिल्म में सलमान कैमियो कर चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि दोनों एक पावर पैक एक्शन फिल्म के साथ आने वाले हैं, जिसकी तैयारी आदित्य चोपड़ा ने शुरू कर दी है। देखा जाए दोस्तों तो जहां सलमान खान की टाइगर 3 आ रही है और लोगों ने उस कैरेक्टर को काफी पसंद किया है जो सलमान खान फिल्म में प्ले कर चुके हैं, जैसे कि एक था टाइगर में या फिर टाइगर जिंदा है में। वहीं बात करें शाहरुख खान की तो वो पहले भी एक्शन कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, लेकिन पठान को लेकर वो खास चर्चा में है। इस फिल्म में वो पूरी तरह अलग कैरेक्टर में होंगे। उनका लुक देखकर लग रहा है कि वो फुल एक्शन इस बार दिखाने वाले हैं। अब खबर है कि बॉलीवुड के इन दो फेमस एक्टर्स के लिए खास स्क्रिप्ट और कहानी तैयार की जा रही है, जिसके लिए दोनों स्टार्स ने हामी भी भर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य चोपड़ा फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्टिंग और डायलॉग पर खास काम कर रहे हैं। वही दोनों स्टार्स के साथ आने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। साल 2023 के आखिरी तक ये प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है, जिसके बाद इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों ही सुपरस्टार्स ने फिल्म के लिए अपनी डेट्स भी रिजर्व कर ली है, ताकि दोनों ही उस वक्त फिल्म को समय दे पाए। फिलहाल सलमान खान जहां कभी ईद कभी दिवाली में बिजी है टाइगर 3 को लेकर चर्चाओं में है, तो वही शाहरुख खान डंकी, जवान और पठान को लेकर आने वाले समय में और इस समय बिजी हैं। इन तीनों फिल्मों का शोर अभी तक सुनाई दे रहा है और जब रिलीज होगी तो सोचिए क्या बवाल मचेगा थिएटर्स पर। वेल दोस्तों, हम काफी समय से फैंस ये चाह रहे थे कि दोनों एक बार फिर सलमान खान और शाहरुख खान दोनों किसी फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर आए और एक अच्छी सी कहानी लिखी जाए इनके लिए। जैसे कि करण अर्जुन फिल्म थी, वैसे ही कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल्म ऐसी कोई बने। अब ऐसे में आदित्य चोपड़ा ने कितनी अच्छी प्लानिंग की है और कौन सी फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्या कोई रिमेक है, कोई नई फिल्म है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं दोनों को एक साथ देखने के लिए, वो भी 27 साल बाद? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।